हिंदू प्रॉपर्टी जो कि मिताश्रा स्कूल से गवर्न करती है, उसकी एक क्लासिफिकेशन है ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज और अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज को हम सप्रतिबंध भी बोलते हैं और अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज को अप्रतिबंध भी बोलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज मीन्स अप्रतिबंध अनऑब्स्ट्रक्टेड। जैसे हमने लास्ट कोपासनरी में देखा कि कोपासनरी हमेशा फोर जनरेशन्स के साथ डील करती है, मीन्स यहाँ पर भी हम फोर जनरेशन्स की प्रॉपर्टी से, अगर फोर जनरेशन के अंदर ही प्रॉपर्टी अगर चल रही है तो वो एक तरह से अप्रतिबंध मीन्स अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज के अंदर आ जाती है। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज का मीनिंग इसमें ये है कि अगर एक पर्सन है वो अपने से ऊपर जो तीन जनरेशन्स हैं, जैसे फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, अगर उनसे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है और उस प्रॉपर्टी के अंदर उस पर्सन का जो राइट है वो बाय बर्थ है, तो जिस दिन उसने ये प्रॉपर्टी एक्वायर करी उसी दिन उसके जो बच्चे हैं, सन है, सन है, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन, इन तीनों पर्सन्स का, जो नीचे भी तीन जनरेशन नीचे जाना है, ऊपर भी तीन जनरेशन ऊपर जाना है, तो जो नीचे की तीन जनरेशन है, सन, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, इन तीनों का राइट उस पर्सन की प्रॉपर्टी के अंदर बाय बर्थ अपने आप ही आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मतलब जैसे ही उस पर्सन ने एक्वायर किया राइट, उसको मिला वो प्रॉपर्टी, उसके हाथ में आई, वैसे ही अपने आप ही जो उसके बच्चे थे उनका राइट उसके अंदर बाय बर्थ अपने आप ही एक्वायर हो गया। तो इट मीन्स वो एक तरह से अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज है, ए प्रतिबंध की कैटेगरी में आता है। पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर वो पर्सन अपनी, अब जैसे हमने अनऑब्स्ट्रक्टेड में देखा तो ये जो प्रॉपर्टी है वो एक तरह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि उसने अपने सिर्फ फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर से ली है और यही प्रॉपर्टी के अंदर उसका राइट बाय बर्थ था। तो इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, मीन्स उसके बच्चों का भी राइट अब उसके अंदर अपने आप से ही बाय बर्थ आ चुका है। पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड होती हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स सप्रतिबंध, मीन्स सेकंड टाइप की जो हम उसकी क्लासिफिकेशन की है प्रॉपर्टी की, अब हम वो स्टडी करेंगे। जो ऑब्स्ट्रक्टेड होती है मीन्स जब तक वो पर्सन जिंदा है, जिसके पास, अगर एक पर्सन ने एक प्रॉपर्टी एक्वायर करी है अपने नानके की तरफ से, मैटरनल साइड से, या फिर अपने दादके से, पैटर्नल साइड से, जो कि जो कि प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, मीन्स जैसे एग्जांपल एक पर्सन है उसने अपने कोई रिलेटिव है, मतलब ताया, चाचा, उनसे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, तो वो प्रॉपर्टी वो तब एक्वायर करेगा जब वो मर जाएंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ द ओनर, मीन्स जब उस ताया चाचा की डेथ हो जाएगी तो तब वो प्रॉपर्टी जो है वो उस पर्सन के पास आई है। क्यों? क्योंकि उस ताया और चाचा के कोई आगे हेयर्स नहीं थे, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी अब उस पर्सन के हाथ में आई है। और ये प्रॉपर्टी कब आई है? जब उनकी डेथ हो गई है। तो डेथ होने से, यानी कि इस पर्सन का अपने ताया और चाचा की प्रॉपर्टी में बाय बर्थ राइट नहीं था, ये राइट कब अराइज हुआ? जब उनकी डेथ हो गई और उनके पीछे कोई हायर नहीं था, क्लास वन, क्लास टू, इनमें से कोई भी नहीं था, तब जाके ये प्रॉपर्टी उस पर्सन के हाथ में आई है। तो ये जो प्रॉपर्टी है अब वो उस पर्सन की, जिसके पास आई है, वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ जाएगी, ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगी। तो जब ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर उसके जो बच्चे हैं, सन है, ग्रैंडसन है, ग्रेट ग्रैंडसन है, उनका कोई राइट नहीं है बाय बर्थ, मीन्स ये अब उस पर्सन की ही रहेगी। जब तक वो पर्सन मर नहीं जाता तब तक वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और अगर वो उसके रिगार्डिंग कोई विल वगैरह नहीं करके गया है तो उस पर्सन के मरने के बाद ये जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगी, तब उन पर्सन्स का राइट उस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ हैं, एक अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और एक ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। अनऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स जिसके अंदर नीचे वाली जनरेशन का राइट बाय बर्थ अपने आप से आ जाता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। और ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स जिसके अंदर राइट सिर्फ डेथ के बाद आता है, अगर वो पर्सन जिंदा है, अगर जिसकी प्रॉपर्टी है तब तक उस प्रॉपर्टी में नीचे वाली जनरेशन का कोई राइट एक्वायर बाय बर्थ नहीं होता है।